हेलो दोस्तों, क्विडेंट टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मीडिया नेव को एवोल्यूशन में अपडेट कर सकते हो। ये देखिए, आपकी स्क्रीन स्किन ऐसे हो जाएगी मीडिया नेव की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे medianav.tk। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये लिंक डाल रखा है, तो आप वहां से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये साइट आपके सामने खुल जाएगी। वहां पर आप मीडिया स्किन, यहाँ पर जाएंगे मीडिया नैब स्किन पर, सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एवोल्यूशन स्किन फॉर मीडिया नैब क्लासिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा और यहाँ पर नीचे डाउनलोड के लिए लिंक है, एंड हेयर इज द लिंक डाउनलोड। यहाँ पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास खुलेगा अपग्रेड LGU फाइल का। ये देखिए, तो ऊपर आप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड होकर हमारे डेस्कटॉप पर चला गया है। ये डाउनलोड हो रहा है अभी स्किन एवोल्यूशन, आपके पास ये रार फाइल डाउनलोड हो रही है, इसे डाउनलोड होने दीजिए और उसके बाद आपको इसे ओपन करना होगा। ये हम फाइल के पास जाएंगे, कहाँ पर गई है, डाउनलोड होकर डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे। ये हमारे पास आ गई स्किन एवोल्यूशन, तो इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे रार फाइल में। विनार आपके पास इंस्टॉल करके रखिए PC में और उससे इसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए और आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा। इसे आप ओपन करिए, स्किन एवोल्यूशन फोल्डर आपके पास ऐसे बनकर आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद अपग्रेड LGU फाइल आ जाएगी आपके पास और इसे आप कॉपी करिए और फॉर्मेट पेन ड्राइव के अंदर इसे पेस्ट करेंगे हम। इसे कॉपी करने के बाद आप उससे अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करके उसके अंदर इसे पेस्ट कर लीजिए। और ये हमने पेन ड्राइव के अंदर इसे पेस्ट कर लिया। मेरी पेन ड्राइव में पहले भी ये पड़ा है, तो इसे मैं कॉपी एंड रिप्लेस कर देता हूँ। तो अब हम पेन ड्राइव निकाल कर गाड़ी के पास चलते हैं। अब इसे अपने मीडिया नैब में लगा दीजिए पेन ड्राइव को, और गाड़ी की को ऑन कर दीजिए और मीडिया नैब को भी ऑन कर दीजिए। ये मीडिया नैब ऑन हो रहा है और USB के ऑप्शन में जाएंगे तो हमारे पास ये टाचा से अच्छे से काम नहीं कर रही पुराने वर्जन में। यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे, ये अपडेट हो रहा है, तो की को ऑफ मत करिए, ऐसे ही अपडेट होने दीजिए। और ये हमारे पास अपडेट हो गया। ये 4-5 मिनट लेगा दोस्तों अपडेट होने में, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में दिखा दिया। और आप देख सकते हैं टच भी काफी स्मूथ चलने लगी अपडेट होने के बाद। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।